इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। यदि आप एक बार गिरकर हार मान लेते हैं तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। कोई भी काम कठिन और मुश्किल क्यों ना हो, यदि हम मन से उस काम को करने की ठान सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं। आज की तारीख 9 सितंबर 2022। आज का वार शुक्रवार। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, गुजराती संवत 2078 और कली संवत 5124 चल रहा है। आज भाद्रपद माह का 29वां दिवस है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 6:07 शाम तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:03 सुबह। सूर्यास्त का समय 6:34 शाम को रहेगा। आज चंद्रोदय का समय है 6:13 शाम को और चंद्रास्त का समय 5:40 अगले दिन सुबह तक होने वाला है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। आज सूर्य सिंह राशि में और आज का सूर्य नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का नक्षत्र धनिष्ठा 11:35 सुबह तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज का पहला कर्ण गर 7:33 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण 6:07 शाम तक रहने वाला है। तदुपरांत विष्टि कर्ण अगले दिन 4:45 सुबह तक रहेगा। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 9 तारीख को आज अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन होगा। 10 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा व्रत होगा। अन्वधान, पूर्णिमा का श्राद्ध, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। प्रतिप्रदा का श्राद्ध भी होगा। 11 तारीख को इष्टी अश्विनी प्रारंभ हो जाएगा, द्वितीय का श्राद्ध होगा। 12 तारीख को तृतीय का श्राद्ध होगा। आज का योग सुकर्मा 6:12 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद धृति योग प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, आज पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें क्योंकि पश्चिम दिशा में आज है दिशाशूल। इसके लिए निवारण वस्तु रहेगी दही और शक्कर, जौ और राई। इन चीजों का सेवन करके आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा भी कर सकते हैं। परमात्मा आपकी यात्रा मंगलमय करे। आइए जानते हैं सुकर्मा योग के बारे में। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस योग में कोई शुभ काम करना चाहिए। मान्यता है कि इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करें या घर में कोई नया धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करें। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा अड़चन नहीं आती है और कार्य सुचारू रूप से सफल होता है। ईश्वर का नाम लेने या सत्कर्म करने के लिए इस योग को उत्तम माना गया है। यदि आपकी कुंडली में है सुकर्मा योग तो आप एक धनी व्यक्ति की होने की संभावना रखते हैं और उत्कृष्ट व्यापारिक अंतर्दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने बुद्धिमान, साहसी और आपका झुकाव अध्यात्म की ओर है, ऐसा माना जाता है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 सुबह से 12:44 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय 2:25 दोपहर से 3:16 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:30 सुबह से 5:16 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 10:44 सुबह से 12:18 दोपहर तक रहेगा। यमगण काल का समय 3:26 दोपहर से 5 शाम तक रहने वाला है। राहुकाल और यमगण काल दोनों ही समय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक काम शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा विघ्न आ सकता है, कार्य भी असफल हो सकता है।
आज के शुभ योगों में से अमृत कालम योग 3 बजे अगले दिन सुबह से 4:28 अगले दिन सुबह तक रहेगा। आज रवि योग का समय 6:03 सुबह से 11:35 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों आज है शुक्रवार, आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन क्या करें और क्या ना करें। इसकी प्रकृति मृदु है। यह दिन एक ओर जहां महालक्ष्मी जी का दिन है, वहीं दूसरी ओर माता काली का भी दिन है। यह देवताओं के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी है। शीघ्र पतन प्रमेह रोग के रोगियों को शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन ओज तेजस्विता शौर्य सौंदर्य वर्धक और शुक्र वर्धक होता है। आज के दिन मस्तक पर लाल चंदन लगाए पूर्व उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा कर सकते हैं। नृत्य कला गायन संगीत इत्यादि रचनात्मक कार्य की आज के दिन शुरुआत की जा सकती है, अवश्य ही सफलता मिलेगी। आज के दिन आभूषण श्रृंगार सुगंधित पदार्थ वस्त्र वाहन चांदी इत्यादि के क्रय विक्रय के लिए आज का दिन उत्तम माना गया है। सुख उपभोग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन खट्टा ना खाएं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। किसी भी प्रकार से शरीर पर गंदगी इत्यादि ना रखें, अन्यथा आकस्मिक घटना दुर्घटना हो सकती है। पिशाची या निशाचरों के कर्म से दूर रहना चाहिए। आज के दिन नैऋत्य दिशा में पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें। आज के दिन के चौघड़िया में चर समय रहेगा 6:02 सुबह से 7:36 सुबह तक। लाभ समय 7:36 सुबह से 9:11 तक रहने वाला है। अमृत समय 9:11 सुबह से 10:44 तक रहेगा। शुभ समय 12:19 दोपहर से 1:53 तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 5:03 शाम से 6:35 शाम तक रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िए में लाभ समय 9:26 रात्रि से 10:52 रात्रि तक रहेगा। शुभ समय 12:19 मध्य रात्रि से 1:45 तक होने वाला है। अमृत समय 1:45 अगले दिन सुबह से 3:11 तक होगा। चर समय 3:11 अगले दिन सुबह से 4:37 तक रहने वाला है। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।